شکریہ ماسٹر. سب کھڑے ہو جاؤ. چلو شروع کریں. ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین ون ٹو تھری فور فائیو سکس سیون ایٹ نائن ٹین. ذرا جوش دکھاؤ. ریاض کے یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے. یہ کے یو کراٹے کلب والے ہیں. لگتا ہے یہ لوگ کافی تیار ہیں. اگر کمزور نکلے تو تمہاری خیر نہیں. وہ جتنے طاقتور ہوں اتنا اچھا. ہاں ہاں جانتا ہوں. ویسے ان کا کیپٹن نیشنل چیمپئن رہ چکا ہے. کیا واقعی؟ کیا تمہیں میری چنوتی منظور ہے؟ اگر میں جیتی تو یہ بلیک بیلٹ میری. اچھا تو تم ہی ہو جسے بلیک بیلٹ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتاؤ کہ تمہارا کراٹے کا کون سا سٹائل ہے بچی. میں تمہیں سٹائل تو نہیں بتا سکتی, پر میں ابھی براؤن بیلٹ ہوں اور اسی لیے مجھے یہ بلیک بیلٹ چاہیے. تم تو ابھی بہت ہی نازک کلی ہو, لیکن اگر چاہو تو ہم لوگ ایک ساتھ چائے ضرور پی سکتے ہیں. سر ہم بھی چائے پینا چاہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. کیا ہوا بچی, لڑائی کا سٹائل بھول گئی؟ میں نے تمہاری تصویر لے لی. ہے کون ہو تم؟ ریاض کے چھوڑ دو اسے. Yeah. What?
तैयार हो? अब ये लो। बाय। कल जिसके साथ तुमने लड़ाई की थी वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। हंसो मत। ब्लैक बेल्ट वालों का शिकार कर रही हो। तुम्हें ब्लैक बेल्ट बहुत जल्दी चाहिए। जी चाहिए मास्टर। मैं जानना चाहती हूं कि मैं कितनी ताकतवर हूं। तो खड़ी हो जाओ, मैं सिखाता हूं तुम्हें। जी मास्टर। अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो दिल से प्रैक्टिस करनी होगी। ये ठीक नहीं है, दोबारा कोशिश करो। जी मास्टर। ठीक से नहीं हुआ, फिर से करो। जी मास्टर। नहीं, अब भी ठीक नहीं हुआ मास्टर। अपनी पीठ सीधी रखो। जी। कभी भी सोच के वार मत करो और अपने विरोधी को सोचने का मौका भी मत दो। सर, तुम्हें उसका दिमाग पढ़ना होगा। जी। ताकत से ज्यादा जरूरी है तकनीक, तकनीक से तेजी आती है। जी सर। हमें यह साबित नहीं करना है कि हम कितने ताकतवर हैं, ना ही ये कि हमारे पास क्या तकनीक है। बस बुनियादी तकनीक को बार बार करने से हमारा बॉडी मूवमेंट अच्छा हो जाता है और इसे ही कहते हैं टाटा प्रैक्टिस। दोबारा करो।
जब असलियत में लड़ रहे हो तो स्लो मूवमेंट्स काम नहीं आते, तेजी से काम लेना पड़ता है। सर। याद रखना सर। बहुत स्लो, दोबारा करो। कराटे में पहला वार जैसी कोई चीज नहीं, सारे काटा की शुरुआत किसी ना किसी बचाव से होती है। गो, फिर से करो। कराटे वो कला है जिससे आत्मरक्षा होती है। शुरू करो। जी मास्टर। दोबारा करो। जी मास्टर। 1000 बार करो, 10,000 बार करो, तभी तुम्हारी बॉडी में ताकत और तेजी आएगी। जी। फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले के पास तलवार है या बंदूक, तुम्हारा एक वार और विरोधी जमीन पे गिरा होगा। दोबारा करो। जी मास्टर। सांस और मूवमेंट में मेल बनाए रखो। जी मास्टर। अब भी कमजोर है, फिर से करो। जी। नहीं, फिर करो, मेरी बात पर ध्यान दो। जी। नहीं, अपने मूव को पूरा करो। जी मास्टर। फिर करो। जी। और फुर्ती से। जी मास्टर। चाहे कोई भी स्थिति हो, कैसा भी विरोधी हो, फिर से याद रखना कि तुम्हें अपने आप का बचाव करना है और सही सलामत इससे बाहर निकलना है। इसे ही हम कहते हैं कराटे। लंबे मूव्स करो। जी मास्टर। ऐसे काटा के तरीकों को असली लड़ाई में अपनाना बहुत मुश्किल है। वैसे भी किसी तलवार या बंदूक से कोई कैसे लड़ सकता है? मुझे तो लगता ही ये बेकार है। दोबारा करो शुरू से। जी मास्टर। टोक्यो के एक बड़े बिल्डर की अनजान लोगों ने हत्या कर दी। डिस्ट्रॉयर्स गिरोह के कई लोग मार्शल आर्ट्स में काफी माहिर हैं। उन्हें कराटे, जूडो और थाई किक बॉक्सिंग भी अच्छे से आता है। डिस्ट्रॉयर्स एक खतरनाक गिरोह है। हाँ, डिस्ट्रॉयर्स। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है, तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। किसका फोन था? डिस्ट्रॉयर्स का। तुम इन्हें जानते हो? ये एक ऐसा गिरोह है जिसके ज्यादातर सदस्य मार्शल आर्ट्स में माहिर हैं, जो अपने क्लाइंट्स के लिए किसी के भी हाथ पैर तोड़ सकते हैं। कौन है ये? सुपारी लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो तुमसे क्या कह रहे थे? वो मुझे अपने गिरोह में लेना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें खुद बुलाया? सच? हाँ, कहा कि भर्ती होने के लिए मुझे एक स्पेशल टेस्ट देना होगा। एक स्पेशल टेस्ट? कौन से सब्जेक्ट का? पागल, ये कोई स्कूल का टेस्ट नहीं है। मुझे कहा कि अगर तुम काबिल हो तो जरूर पास हो जाओगी, और अगर पास हुई तो पैसे मिलेंगे। पैसों की बहुत जरूरत है। इडियट। तो तुम वहां जाओगी? वाह। वैसे ये करने में थोड़ी घबराहट हो रही है, लेकिन मैं ये करूंगी क्योंकि मुझे अपने आप को ताकतवर साबित करना है। क्या? मास्टर मत्सुमोरे को साबित करना है? वो हमेशा मुझे नजरअंदाज करते हैं। रहने दो, वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी वजह से ये करने जा रही हो। ओ शराब, मैं तो बस अपने आप को परखना चाहती हूँ। चाहो तो सारे पैसे तुम रख लेना। सच कह रही हो? मैं अभी जा रही हूँ, तुम चलोगे?
हाँ जरूर। वो किसका फोन है? उन्हीं का। जेल से निकलते ही सीधे यहाँ लाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। मात्सुमुरा कहाँ है? शायद यही लोग हैं। अपना टेस्ट पास करने के लिए मुझे उन्हें हराना होगा। और फिर तुम्हें जो पैसे मिलेंगे वो तो मुझे दे दोगी, है ना? तुम हमेशा अपने मतलब की बात करते हो। सॉरी यार, गलती हो गई। हे, वहाँ तो लड़कियाँ भी हैं। क्या वो भी इसमें हिस्सा लेंगे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। सच मानती क्यों नहीं? अच्छा, हाँ मैं नहीं मानती। ठीक है, देखते हैं। अरे ये कौन है? कौन हो तुम? माफ कर देना, पर तुम लोग मेरी टेस्ट की पहली सीढ़ी हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा टेस्ट? ओ, 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 ओ। डिस्ट्रॉयर्स का दिया हुआ। क्या बकवास है, मारो इसे। अरे बाप रे बाप, क्या जबरदस्त किक थी। शायद ऐसे मारना था।
गंदी बदबू है यहाँ। लड़की, एक बार फिर सोच लो। बात है, क्या तुम तैयार हो? ओ, इतने हल्के से मारा। लगी तो नहीं? मैंने पहले ही कहा था, फिर सोच लो। तो तुम अपने टेस्ट में पास हो गई। तुम काफी ताकतवर हो और फुर्तीली भी। क्या तुम वही हो जिसने फोन किया था? ये लड़कियां अभी भी सीख रही हैं, पर अच्छा लड़ी ये। और जहां तक तुम्हारा सवाल है, मात्सुमुरा ने तुम्हें अच्छे से सिखाया है। क्या? तुम बिल्कुल एक भूखे शेर की तरह लड़ी हो। तुम मेरे मास्टर को कैसे जानते हो? सुना है तुम ब्लैक बेल्ट्स को ढूंढ के मारती हो। बहुत बढ़िया है।
वैसे मुझे तुम्हारा फोन नंबर तुम्हारे ही दोस्त से मिला। हम लोग कई सालों से मात्सुमुरा को ढूंढ रहे हैं। तकरीबन 15 साल से। ये काफी लंबा अरसा है। फिर अचानक एक फोन आता है और वो लड़का कहता है कि मेरी दोस्त बहुत ताकतवर है, क्या उसे डिस्ट्रॉयर्स की गिरोह में जगह मिलेगी। उसने ये भी बताया था कि तुम मत्सुमुरा की ही शिष्य हो। ये एक बड़ी हैरानी की बात है, हम कब से उसे ढूंढ रहे थे। पर अब तो उसकी एक शिष्य हमारे पास है। मैं तुम्हारे उस दोस्त का बहुत शुक्रगुजार हूँ। रियाज के कई, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साले कमीने! केक बड़ी अच्छी थी पर अभी थोड़ी कच्ची है। ये रहा इसका इनाम। मदद करने के लिए शुक्रिया, बेवकूफ लालची लड़के। ये लड़का चारा था, मत्सुमुरा मच्छी, और तुम हो मछवारन। मैं अपने मास्टर को कैसे पकड़वा सकती हूँ? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. One, two, three, four, five. क्या मिस्टर मात्सुमुरा यहाँ है? वो कुछ काम से शहर के बाहर गए हैं। One, क्या आप दोनों उनके दोस्त हैं? Four, five, six, seven, eight, nine, ten. आप यहाँ से देख सकते हैं। Stop. Rest. इनको सबक सिखा दो। मास्टर हो, पर तुम तो बहुत कमजोर निकले। क्या चाहिए तुम लोगों को? बस इतना बता दो कि मास्टर मात्सुमुरा कहाँ है। एक एक हाथ हो जाए। सॉरी, पर एक ही हाथ में यहाँ सारे चित हो गए हैं। कमीनो! अरे छे छे, एक असिस्टेंट मास्टर होते हुए तुम एक लड़की से हार गए। क्या तुम सच में मात्सुमुरा के शिष्य हो?
Master! Master. मुझे तो नहीं लगा था पर ये तो यही मिल गया। तुम लोग मेरा पीछा कर रहे थे? क्या करने वाले हो तुम लोग? अभी पता चल जाएगा। अब जल्दी से एक काम करो, जाके अपने मास्टर से कहो कि तुम हमारे कब्जे में हो, यानी डिस्ट्रॉयर्स के कब्जे में। मैं ऐसा नहीं करूंगी। जाओ। मास्टर, भाग जाइए। ये आवाज तो कहीं की है। तुम्हें अब भी वो दम है।
कौन हो तुम और बताओ केई कहां पर है? क्या तुम्हें याद नहीं 15 साल पहले क्या हुआ था? तुमने हम डिस्ट्रॉयर्स को धूल चटाई थी, याद आया? डिस्ट्रॉयर्स, तुम्हारी एक शिष्य केई हमारे गिरोह में आ गई है। क्या हुआ, मार दो मुझे जैसे 15 साल पहले। तुमने क्या किया उसके साथ? जल्दी से जाओ और उसे बचा लो, कहीं देर ना हो जाए। कमीने! खड़ी हो जाओ, मैंने कहा खड़ी हो जाओ। हमने मछली पकड़ ली। वो सीधे यहीं आ रहा है। मत्सुमोरा अब गया, सब तुम्हारी वजह से। क्या मुझे हरा सकते हो? Thank you.
केई, मास्टर, कई दिनों बाद मिले हैं मात्सुमुरा। मेरे शिष्य को अभी छोड़ दो। तुम 15 साल में काफी बदल गए हो। कहां गया तुम्हारा वो गुस्सा? कुछ नहीं, मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें मारने के लिए कराटे की जरूरत नहीं है। देखो, तुम्हारी ही एक शिष्य अब हमारे साथ है। इसने हमारा टेस्ट पास कर लिया है, है ना? मास्टर। मात्सुमुरा, अब बताओ तुम इसे कैसे बचाओगे? मास्टर, अपने घुटनों के बल झुको तो शायद हम इसे छोड़ दे। अपने घुटनों पे आओ। प्लीज सर, केई को छोड़ दीजिए।
मेरी शिष्य को। जाने दो यहां से। बिना वजह लड़के कोई फायदा नहीं। मैं बस अपनी शिष्य को ले जाना चाहता हूं। कराटे दूसरों पे हमला करने के लिए नहीं है। ये वो मार्शल आर्ट है जो खुद के बचाव के लिए सीखा जाता है। मेरे सब शिष्य जानते हैं, वो भी दिल से। मार्शल आर्ट खुद की सुरक्षा और बचाव के लिए होता है। और मेरे लिए कराटे ही मेरी जिंदगी है। Stop!
मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मास्टर, संभल कर। पंद्रह साल से मैं बदले की आग में तड़प रहा हूं और आज आखिर वो दिन आ ही गया। तुम्हें तो पता है मैं नियमों को नहीं मानता, तो संभल कर। पकड़ो उसे और जान ले लो। इनका हर बार काटा से ही है। Hey!
तो तुम्हारे मुताबिक कराटे। सिर्फ अपने बचाव के लिए है ना? मात्सुमुरा, मुझे तुम पे तरस आता है क्योंकि तुम में से कोई नहीं बचेगा। मास्टर, जान बचाने के लिए शुक्रिया। व्हाइट बेल्ट से दोबारा शुरू करो और ठीक से प्रैक्टिस करना। जी मास्टर। 1000 दिन लगते हैं सीखने में और 10,000 महारत हासिल करने में। जी मियामोटो मुशाशी का यही कहना है। 3 साल बाद ही असली प्रैक्टिस शुरू होती है। इसे सीखने में 10,000 दिन लगेंगे और तुम्हें महारत पाने में 30 साल, यानी 20 साल और। ठीक है मास्टर, मैं मेहनत करूंगी। बहुत अच्छे, चलो प्रैक्टिस का वक्त हो गया। ठीक है। जी मास्टर। मास्टर, कराटे सिर्फ अपने बचाव के लिए है। मास्टर, आई लव कराटे। केई। जी मास्टर। अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जी मास्टर। था